Hey guys, there's a good news for you. अब कृतिका जी को extensions अचानक से बहुत अच्छी लगने लग गई है. So मैं videos दोनों डालती हूँ जिसमें उनको उनके बाल खराब कर दिए थे और second video डालती हूँ जिसमें उनके बाल खराब नहीं हुए थे. वो सेम चीज बोल रही है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बोली थी. आप लोग प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए. मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेजूंगी जो मैंने पहली वीडियो भेजी थी. और मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, वो बहुत सोच के बोल रही है, शी इज नॉट सेइंग द ट्रुथ. सो आप पहले कृतिका की वीडियो देखिए और फिर मैं बात करूंगी उसके बाद. बाय गाइस. मैंने हेयर एक्सटेंशन करवाए थे, उसकी हेयर एक्सटेंशन मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने उसके बाद हेयर एक्सटेंशन करवा लिए. तो पायल को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पायल ने हेयर एक्सटेंशन करवाया निशा जी के वहां से और रिमूव भी वहां से कराया क्योंकि उनके टेक्निक उनको पता है कि उनको कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना. बट जब मेरा टाइम था तो मेरे स्टैंड काफी नीचे आ गए थे और मेरा बिजी इतना शेड्यूल था कि मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं दिल्ली जा पाऊं अपने स्टैंड निकाल पाऊं. तो मैंने यहां ही किसी सलून के पास गई अपने स्टैंड निकालने के लिए. तो उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ गई और मेरा हेयर फॉल हो गया. तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जहां से हेयर एक्सटेंशन करवाते हैं वहां से रिमूवल करा दीजिए क्योंकि जो उनका प्रोसीजर होता है वो अलग होता है. अगर आप किसी और से कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी. और मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है क्योंकि पायल मेरे साथ रहती है. तो पायल ने जब एक्सटेंशन करवाए और रिमूव कराए तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बट मुझे प्रॉब्लम हुई. तो आप लोग वहां से ही करवाइए जहां से आप लगवाते हैं. एंड में यही बोलूंगी कि आप लोग भी हेयर एक्सटेंशन करा सकते हैं. इसके कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है. जिनके बाल छोटे हैं, कम है, हल्के हैं, तो वो लोग भी बाउंसिंग करा सकते हैं. क्योंकि थैंक यू वेरी वेरी मच कृतिका, सो स्वीट ऑफ यू. आपने मुझे समझा. अगर कृतिका के लिए कोई हेट कमेंट नहीं, प्लीज़ कोई नहीं, मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है और ना उनके में है क्योंकि उनको सच्ची में नहीं पता था कि रिमूवल इतना इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है. अगर उनको पता होता तो वो मेरे पास आते, नहीं तो मैं अपना लड़का भेजती. अगर उनको पता होता कि एक्सटेंशन से प्रॉब्लम होती है तो पायल ने पहले लगवाए थे फिर कृतिका ने लगवाए थे. अगर पायल को प्रॉब्लम होती तो कृतिका नहीं लगवाती. दोनों ने साथ में नहीं लगाए थे. रिमूवल दोनों का अलग अलग हुआ है. सो बहुत शुक्रिया कृतिका, आपने मुझे समझा और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो. और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. खूब सारा प्यार. माता रानी आपको तरक्की ले. क्योंकि मैं खुद कृतिका का अपॉइंटमेंट ले रही थी कि रिफिलिंग प्रोसेस हो गया बट कृतिका ये अपॉइंटमेंट नहीं दे पाई थी उसका बिजी शेड्यूल होने के कारण. तो प्लीज़ लॉट ऑफ लव कृतिका. माता रानी आपको तरक्की दे, कामयाबी दे. अपना साथ मेरे साथ ऐसे बना के रखो. खूब सारा प्यार मेरे. सो गाइस, देखिए आपने उनकी फर्स्ट वीडियो. अब मैं दिखा रही हूँ उनकी सेकंड वीडियो. इसके बाद उससे पहले बस मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ कि कभी वो कह रही है कि मेरे बाल इस जब आप फर्स्ट वीडियो देखोगे तो ऑलरेडी मतलब वो कह रही है कि मेरे बालों का खराब होने का क्या रीजन था. और सेकंड वीडियो जो है उसमें वो कह रही है कभी मेरी आई लैशेज खराब होगी, कभी मेरे हेयर खराब हो गए हैं, हेयर एक्सटेंशन तो बिल्कुल ठीक नहीं है. तो आई थिंक वो खुद ही बहुत कंफ्यूज है इस चीज के लिए, या उनका पता नहीं जिनके साथ उन्होंने कोलैब किया होगा हेयर के लिए, आई लैशेज के लिए. शायद पहले उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे, अब अच्छे नहीं थे. तो प्लीज मुझे बताइए कि क्या रीजन हो सकता है. सो गाइस, मैं तो हो गई हूँ कंफ्यूज. तो देखते हैं पहले क्या बोला था वो वाली वीडियो. तो गाइस, अभी मैं वीडियो देख रही थी तो मैंने देखा, बट मैं सच बात बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने अपने बाल इसलिए शॉर्ट कराए. मुझे शॉर्ट बालों का शौक नहीं है बट ये बाल बचे नहीं थे. ये इतनी छोटी सी पूंछ बन गई थी कि मुझे कटवाने के अलावा कोई रीजन नहीं मिला कि मैं बालों को रखूं. और आप पब्लिक हो तो मैं आप लोगों को सच बता रही हूँ, जब मैंने एक्सटेंशन कराए थे तब भी मैंने दिखाया, मैंने एक्सटेंशन निकाले, मेरे बालों का क्या हाल हो वो भी मैंने शेयर किया. तो हम लोग किसी को इमोशनली हर्ट नहीं करना चाहते हैं. जो हमारे साथ हुआ हमने वही बयान किया है. बालों की हालत जो है वो खराब हो चुकी है. और अगर आपको सारी चीजों का प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर करना. और जिनके साथ ऐसा हुआ है एक्सटेंशन के बाद उनके बाल खराब हो गए हैं बहुत ज्यादा, वो भी हमें कमेंट जरूर करना. और लोगों के इतने कोलैब्स हमारे पास आते हैं, आप यहां आ जाइए हेयर एक्सटेंशन करा लीजिए. बहुत सारे कोलैब हमारे पास आते हैं लेकिन हम लोग यहां अगर गए तो किसी के अप्रोच से गए, किसी ने अप्रोच लगाई थी कि प्लीज उनको भेजो, अदरवाइज हम लोग जाते ही नहीं कोलैब के लिए. जो आप वीडियो में बोल रहे हो भाई बहन का रिश्ता, बात रही भाई बहन के रिश्ते की, तो भाई के बाल खराब नहीं हुए, बाल मेरे खराब हुए. उन्होंने तो कुछ करवाया नहीं था, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने मुझे इतनी बार बोला गोलू तुम मत करवा एक्सटेंशन मत करा, बट मैंने नहीं सुनी, मैंने करवा ली. और बात रही जब पायल ने हेयर एक्सटेंशन कराए थे आपके यहां से, तो मैंने आईलैश एक्सटेंशन भी कराए थे जो कि मेरे कुछ घंटे रहे, बल्कि आईलैश एक्सटेंशन एक
एक महीने से ज्यादा रहते हैं, बट मेरे आईलैश एक्सटेंशन कुछ घंटों के अंदर मेरे बेड पे ऐसे पड़े हुए थे। और किस कमीशन की बात कर रहे हैं, किस परसेंटेज की बात कर रहे हैं? आप तो सीधा सीधा प्रपोजल लेके आए थे, आप कुछ लॉन्च करने वाले थे कि इसे तुम लॉन्च कर दो, ये परसेंटेज तुम्हारा, पर हमने डिनाई कर दिया कि हम ऐसी कोई भी चीज का प्रमोशन नहीं करेंगे जिसके बारे में हम जानते नहीं है, जो स्किन से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे कहने पर लोग ले तो लेंगे लेकिन बाद में गालियां वो हम, क्योंकि बालों का कितना बुरा हाल हुआ है और बाकी बया करेगी गोलू खुद। सीरियसली जो मेरे बाल इतने ज्यादा डैमेज हो गए, मतलब मेरे बालों में जो भैया क्या बोलते जटाएं, मेरे बालों में जटाएं हो गई अभी सारे के सारे एक्सटेंशंस में। सो गाइस, आपने दोनों वीडियो उतने ही अच्छे से देखी होगी जितने अच्छे से मैंने देखी। तो सॉरी मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है क्योंकि आई हैव अ स्मॉल बेबी, मुझे उसको भी देखना होता है, तो मुझे लगता है कि कहीं वो कुछ करना दे जितनी देर मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा मुझे बस यही पूछना है इस देश की जनता से कि आप लोगों का ओपिनियन क्या इन लोगों पे डिपेंड है? कभी बोला अच्छा है तो हेयर एक्सटेंशंस, एवरीवन इज लाइक हेयर एक्सटेंशंस अच्छा है, कभी बोला खराब है तो हेयर एक्सटेंशंस खराब है। प्लीज अपना खुद का ओपिनियन रखिए, मत इन सब चीजों पे जाइए, आप खुद देखिए कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। ये सारी चीजें आती रहेगी जब तक देखो हर कोई। सो गाइज, ये होता रहेगा, प्लीज अपना दिमाग लगाइए, अपनी सोच रखिए आपको क्या अच्छा है। किसी भी हेयर एक्सटेंशंस एक्सपर्ट से मिलिए, उनसे एडवाइस लीजिए, ऐसे किसी भी चीज पे मत जाइए प्लीज। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर कोई बोले अच्छा है तो वो चीज अच्छा। मैंने सेम वर्ड्स आपको फर्स्ट वीडियोस में बोले थे जिसपे मुझे बहुत सारे लोगों ने, कुछ एक लोगों ने बोला कि नहीं यार दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट गुड। सी, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, हेयर एक्सटेंशंस नीड भी है, समटाइम लग्जरी भी है, लेंथ के लिए करते हैं दैट इज लग्जरी, अगर आपके हेयर खुद का वॉल्यूम है सब कुछ है, बट अगर आपके हेयर में जेन्युइन में प्रॉब्लम है तो ये नीड है। कमेंट्स में मुझे बोला जा रहा है कि मैंने जो रिव्यू दिया है वो गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैंने पहले भी सही बताया था जो था जेन्युइन, और मैं अभी भी जेन्युइन ही बताऊंगी कि मैंने जो हेयर्स लगवाए थे निशा जी से वो 100% ह्यूमन हेयर थे, और जब उन्होंने मुझे हेयर्स लगाए थे तो उस पर कलर भी किया था, प्रेसिंग भी किया था और केराटिन भी किया था, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आया, और वो मैंने कराए थे सिर्फ शूट के लिए। शूट होने के बाद मैंने निशा को खुद बुलाकर घर पे अपने हेयर जो है वो रिमूव करवा दिए थे, तो मुझे एज सच ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है सीरियसली, और ना ही निकालते हुए मेरे कोई भी बाल टूटे हैं। ऐसा था कि उनके पास एक अपनी टेक्निक होती है, तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि आप जहां से भी एक्सटेंशन कराते हैं आप वहीं जाके रिमूव कराएं, क्योंकि अगर आप कहीं और कराते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हेयर एक्सटेंशन नहीं करा सकते, हेयर एक्सटेंशन करा सकते हैं आप भी, और मैंने जो रिव्यू दिया है बिल्कुल जेन्युइन थी। और एक बात, निशा की एक्सटेंशन और रिमूवल बेस्ट है, आप वहां से करा सकते हैं। वीडियो देख के कि अगर पायल जी को प्रोसेस पता था तो उनको कृतिका को बताना चाहिए था, वो उल्टा कृतिका को रॉन्ग चीज के लिए सपोर्ट कर रही है कि भाई इनके बाल खराब हो गए हैं, सारी गुंजले बन गई है, अगर उन्होंने अपने अच्छे से रिमूव कराए थे तो इनका भी अच्छे से रिमूव करवाना चाहिए था। एंड में बस यही गाना, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, ये जो पब्लिक है, सो प्लीज बी अवेयर रहो सब लोग। थैंक यू वेरी वेरी मच कृतिका, सो स्वीट ऑफ यू, आपने मुझे समझा। अगर कृतिका के लिए कोई हेट कमेंट नहीं, प्लीज़ कोई नहीं, मेरे दिल में कोई शिकवा नहीं है और ना उनके में है, क्योंकि उनको सच्ची में नहीं पता था कि रिमूवल इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर उनको पता होता तो वो मेरे पास आते नहीं, तो मैं अपना लड़का भेजती। अगर उनको पता होता कि एक्सटेंशन से प्रॉब्लम होती है तो पायल ने पहले लगवाए थे फिर कृतिका ने लगवाए थे, अगर पायल को प्रॉब्लम होती तो कृतिका नहीं लगवाती, दोनों ने साथ में नहीं लगाए थे, रिमूवल दोनों का अलग अलग हुआ है। सो बहुत शुक्रिया कृतिका, आपने मुझे समझा और आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हो, और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, खूब सारा प्यार, माता रानी आपको तरक्की ले। क्योंकि मैं खुद कृतिका का अपॉइंटमेंट ले रही थी कि रिफिलिंग प्रोसेस हो गया, बट कृतिका ये अपॉइंटमेंट नहीं दे पाई थी उसका बिजी शेड्यूल होने के कारण। तो प्लीज़ लॉट ऑफ लव कृतिका, माता रानी आपको तरक्की दे, कामयाबी दे, अपना साथ मेरे साथ ऐसे बना के रखो, खूब सारा प्यार मेरे